कलकत्ता के भगत भाई के रहने वाले मनकीरत सिंह शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सुनहरी स्याही से लिख रहे हैं। पेशे से गुरमत संगीत शिक्षक मनकीरत का जन्म यूं तो हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब से प्रभावित होकर उन्होंने सिख धर्म अपना लिया। मनकीरत ने 1.5 साल पहले इस काम को शुरू किया था और अब तक उन्होंने 1430 पृष्ठों में से लगभग 270 लिख लिए हैं। विचार मन दे विच आउण दा कारण ते सतगुरु की कृपा है कि मेरे मन में ऐसा विचार आया। उनकी कृपा के बिना मन में अच्छे विचार नहीं आ सकते। किसी तरह का फुरना आंदा किसी दे किसी सतगुरु की रहमत तो बिना चंगे विचार मन दे विच नहीं आ सकते। इस सेवा के लिए उन्होंने प्राचीन पद्धति से सोने की स्याही बनाने के लिए जयपुर से हेडवर्क पेपर और विभिन्न राज्यों से अन्य सामान मंगवाया। कागज अपने पुरातन जयपुर बनता है। प्राचीन तरह का कागज या तो जयपुर या कश्मीर में बनाया जाता है, इसलिए मुझे वहां जाकर उन सभी चीजों को लाना पड़ा। उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। बाहर से माल मंगवाना सतगुरु की कृपा से और संगत की सहायता से किया जाता है। दिक्कत या सामान मंगाउण दी बाहरों अंदरों मंगाउणा जिवें समान वो मिलता नहीं इत्थों मंगाउणा औखा हो जाता है। तो सतगुरु कृपा करते हैं, चलो भी सहयोग के नाल संगत के सहयोग के नाल हो जाता है। वो मनकीरत सिंह ने प्राचीन पद्धति से सोने की स्याही तैयार करने की भी जानकारी दी। इसमें एक औंस जिसे 100 मिलीलीटर कहा जाता है सोना होता है। मैंने आपको यह भी दिखाया कि यदि आप इसे एक छड़ी में डालते हैं और इसे 20 दिनों तक रगड़ते हैं तो सोना इसमें मिल जाता है। शुद्ध 24 कैरेट तो संगत इसे सुनहरी स्याही कहती है। हम सोना मिलाते हैं ताकि उसके अक्षर कम रोशनी में भी दिखाई दें। पानी पड़ने की स्थिति में स्याही न फैले, इसलिए तरल के रूप में बोल का प्रयोग किया जाता है। बाकी सारिया जिवें बोल है बोल ता करके पाए जाते भी इन बन्न दे विच लिया जाए भी ये फैले ना शाही इस तरह पानी दे विच ना फैले जां जिस तरह वध डिग पई कागज़ दे उत्ते तां ना फैल जाए जिस तरह आम शाहियां ने जिहड़ियां वो फैल जांदियां ने। इदां उन्होंने कहा कि वह रोज़ 2 से 3 घंटे श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सोने की स्याही से लिख रहे हैं, जिसे वो अगले 5 से 6 साल में पूरा कर लेंगे। 5-6 लाख रुपया तकरीब लग चुका है। इस बाद भी इसमें लगभग 5 से 6 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। करीब 30 से 35 लाख रुपए खर्च होंगे। कारण यह है कि अगर हम गोल्डन कवर बनाते हैं तो इसकी कुल अनुमानित लागत 30 से 35 लाख रुपए होगी। करके सारा कुछ देखिए तो मेरे अनुमान के नाल घट भी सकता है बढ़ भी सकता है भी मेरे अनुमान के नाल 30 से 35 लाख रुपये सारे का सारा टोटली खर्चा आ जाएगा। मनकीरत का कहना है कि इस सेवा के लिए उन्हें आम जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। कोविड की वजह से अब उनके पास शिक्षक की नौकरी नहीं है और अब वह बुक कीपर का काम कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गुरु नानक के घर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुरु नानक के घर में हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सब एक हैं, क्योंकि गुरुबाणी में बाबा फरीद जी स्वामी रामानंद जी भक्त कबीर जी के श्लोक हैं। गुरुबाणी ने एकता का संदेश दिया है। अगर समाज असली गुरसिखी स्वीकार कर ले तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। साडे समाज भी जे गुरसिखी नु मन जावे असल गुरसिखी नु तां असी सारे दे सारे एक हो सकदे हां, साडे सारे झगड़े मिट सकदे ने। गरीबी और कष्ट के बावजूद गुरु के वचन की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित करने वाले मनकीरत सिंह का मानना है कि आने वाली पीढ़ी को उनकी विरासत से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रह सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।